दूसरा प्रश्न था कि शास्त्रों का सार क्या है। कहा कि भगवान के चरणों में अहत की भक्ति होना ही शास्त्रों का सार है। अहत की भक्ति का मतलब जानते हो? अहत की भक्ति का मतलब होता है भगवान का जो भी भजन करें, जो भी भगवान के लिए करें, उससे भगवान से कुछ मांगने की कामना न हो। कामना से निहित जो भगवान का भजन किया जाए वो अहत की भक्ति कहलाती है। मांगना क्या? क्या भगवान को मालूम नहीं इसको किसकी आवश्यकता है? सब कुछ मालूम है। अरे भगवान के सामने मांगना ये तो अपने आप में भगवान को छोटा समझना है। उन्हें क्या नहीं मालूम? एक ही बात कहते हैं जो सच्चे भक्त होते हैं ना, मैं अगर मांगूं जो तुमसे, तुम न देना कुछ मुझे, मेरे मांगने से कुछ दे दिया तो तेरा प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, तेरा प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। अगर मैं तुझसे कुछ मांगूंगी तो कभी नहीं देना, क्योंकि मैं अगर तुझसे मांगा तूने दे दिया तो मैं तेरा प्रेमी नहीं तेरा मजदूर बन जाऊंगा। इसलिए भगवान से मांगना क्या? तीसरा प्रश्न था भगवान अजन्मा होके अवतार धारण क्यों करते हैं? जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाता, दुष्टों के संहार और भक्तों की रक्षा के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। फिर प्रश्न किया है चौथा कि भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की। कहा भगवान ने जो भी लीलाएं की, आगे कथा के माध्यम से आप सारी लीलाओं का श्रवण करेंगे। पांचवा प्रश्न था कि भगवान के कितने अवतार हुए। शास्त्रों के मत से अगर देखा जाए तो भगवान के 24 अवतार हुए, जिसमें भगवान का पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में हुआ, दूसरा अवतार भगवान का 12 के रूप में, तीसरा अवतार संत नारद के रूप में हुआ, और चौथा अवतार भगवान ने नर और नारायण के रूप में अवतार धारण किया, पांचवा अवतार भगवान का कपिल अवतार हुआ, छठवां अवतार दत्तात्रेय अवतार, सातवां अवतार यज्ञ भगवान, आठवां अवतार भगवान का ऋषभ देव जी के रूप में, नौवां अवतार भगवान ने प्रभु के रूप में धारण किया, दसवां अवतार भगवान का एक राजा सत्यव्रत की एक आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया था, ग्यारहवां अवतार भगवान का कच्छप अवतार, बारहवां अवतार भगवान का धनवंतरी अवतार, और तेरहवां अवतार भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। ये तीन अवतार भगवान के समुद्र मंथन के समय हुए। चौदहवां अवतार भगवान का नरसिंह अवतार भक्त प्रहलाद के लिए धारण किया भगवान ने, पंद्रहवां अवतार राजा बलि की आकांक्षा के लिए भगवान वामन बन करके आए, सोलहवां अवतार भगवान का परशुराम के रूप में हुआ, सत्रहवां अवतार भगवान का महर्षि वेदव्यास के रूप में हुआ, अठारहवां अवतार भगवान का आदरणीय प्रभु राम के रूप में हुआ, 19वां अवतार भगवान का बलराम के रूप में, 20वां अवतार भगवान का द्वापर में कृष्णा अवतार हुआ, 21वां अवतार हरि अवतार, 22वां अवतार हंस अवतार, 23वां अवतार वद्ध अवतार, और 24वां अवतार भगवान इस कलयुग में कल्कि के रूप में धारण करेंगे। शास्त्रों के मत से ये 24 अवतार बताए गए हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हे स्वर्णकालिक ऋषियों, छठवां प्रश्न था कि भगवान धरा धाम को छोड़ के गए तो धर्म किसकी शरण में गया। कहा जब भगवान धरा धाम को छोड़ के गए तो सूक्ष्म रूप लेकर के भगवान भागवत धर्म में प्रवेश कर गए। बोले भागवत भगवान की। श्री स्वर्णकालिक
अनेक ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया, भागवत ग्रंथ की रचना किसने की, आप कृपा करके हमें बताने की कृपा करें। श्री सूत जी ने कहा है, सोनकादिक ऋषियों, नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ हुए, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति हुए, शक्ति के पुत्र पाराशर हुए, इन्हीं पाराशर के पुत्र आदि व्यास जी महाराज हुए, जिन्होंने चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराणों की रचना कर दी, मन शांत नहीं हुआ। तो एक दिन आकर के नारद जी ने समझाया, व्यास जी रोने लगे, मैं क्या करूं, दुनिया पूरी खाने पीने में मग्न, कोई भगवान का भजन नहीं करता। नारद जी ने कहा, अब तुम भागवत ग्रंथ की रचना करो। नारद जी ने अपना पूर्व वृतांत व्यास जी को श्रवण कराया कि संतों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से जो असंभव से असंभव कार्य वो संभव हो सकता है। मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, काम पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, संतों के आशीर्वाद से आज मैं देवऋषि नारद के रूप में जाना जाता हूँ। नारद जी ने चतुर्श्लोकी भागवत जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान की थी, चार श्लोक व्यास जी को प्रदान किए, चार श्लोकों से व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की रचना कर दी, जिस भागवत ग्रंथ में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं, इतने बड़े ग्रंथ की रचना कर दी। आप घर में और कोई पाठ कर पाओ न कर पाओ, लेकिन भागवत कथा की संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो अर्थ ही पढ़ ले, दो चार श्लोकों का अर्थ भी पूरा पढ़ लेंगे आप, तो आपको सारे पाठों का फल वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। ये भागवत अपने आप में स्वयं भगवान का पांगमय स्वरूप है। भगवान को के नाम से अपने आप को सजा लें, जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान की पूरी भागवत में एक एक शब्द में भगवान की श्यामलता की छटा समाई हुई है। श्याम तेरे रंग में रंग रंग के, इतना रंग लो अपने आप को भगवान की कथा से, 7 दिन में सूर श्याम काली कामत पर चढ़े न दूजो रंग। श्याम तेरे रंग में रंग रंग के, चुंदरिया करती थी भगवान के कीर्तन में, एक पैर में 41 घुंघरू और दूसरे में
तैतालीस घुंघरू, कुल मिला के कितने हुए 84 घुंघरू। कहा जो भगवान के कीर्तन में झूम लेते हैं उन्हें 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता, तो ताली तो बजा ही सकते हैं हम लोग। Thank you.
थारो कथा को प्रसंग कहाँ चल रहे हो परीक्षित जी? हाँ याद है? अरे भैया मैं तो लक्कड़ हूँ, भूल जाऊँ। अरे मालूम भी तो पड़े कि केवल तन से ही बैठे कि मन से भी बैठे हो। आप में से किसी को याद है? सुखदेव जी आ गए। सुखदेव जी का अवतार हो चुका। वाह क्या कहिए, एक बार तालियां हो जाए। श्री व्यास जी ने भागवत ग्रंथ की रचना की, यहां तक हमारा प्रसंग पहुंच चुका है। रचना तो हो गई लेकिन मन अभी भी शांत नहीं है। इतने बड़े ग्रंथ की रचना तो कर दी लेकिन इस कथा का जन जन में प्रचार कौन करे? क्योंकि भागवत की कथा कोई दिगंबर नहीं कह सकता। भागवती की कथा का अधिकारी वही है, भगवान की कथा वही कह सकता जिसने काम और क्रोध को जीत लिया हो। अचानक हृदय से आवाज निकलती है, वो है आपका मानस पुत्र श्री सुखदेव। लेकिन वो तो जन्म होते ही जंगल में भजन करने चले गए, लाया कैसे जाए? व्यास जी ने एक शिष्य को एक श्लोक रटाया है, कहा बेटा जाओ जहां हमारा मानस पुत्र श्री सुखदेव तपस्या कर रहा हो वहां जाकर के तुम ये श्लोक का गान करना। जाके शिष्य गया, सुखदेव जी जहां समाधिस्थ थे आज श्लोक का गान करने लगा। बरहा पीड़म नटवर बपू करड़ियो करड़िकारम बिभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयंती चमाराम। इतना ही बोल पाया शिष्य। अहो देखो तो सही, जिसने मोर पंख धारण कर रखा, गले में वैजयंती माला धारण कर रखी, जो अधरों पर वंशी बजाते हुए मंद मंद मुस्कुराते हैं, सुखदेव जी की समाधि खुल गई, इतना सुंदर कौन है? आगे बोलो ना। शिष्य आधा श्लोक बोल के ही भूल गया था। महाराज आगे सुनना तो अपने पिता के पास चलिए। सुखदेव जी ने एक बार विचार किया, होगा कोई सुंदर क्या करना, फिर समाधि में बैठ गए। व्यास जी ने शिष्य को पूछा, कहो हमारा मानस पुत्र वापस नहीं आया? महाराज एक क्षण के लिए समाधि खुली थी लेकिन पुनः समाधिस्थ हो गए। व्यास जी ने शिष्य को अब की बार भगवान की करुणा के बारे में शिष्य को श्लोक रटाया और कहा, जाओ मानस पुत्र सुखदेव जहाँ तपस्या में है वहां जाके श्लोक का गान करना। अब की बार ये भगवान की करुणा का वर्णन कर रहा है शिष्य। अहो बकियम स्तन काल कूटम जिंघाशया पाय यदा सादर ले गतिम धातु चिता ततोनम कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। अहो देखो तो सही, पूतना अपने स्तनों में विष लगा करके मारने के लिए आई लेकिन भगवान ने मारने वाली पूतना को भी मातृ गति प्रदान की। भला दुनिया में इनसे बड़ा और करुणावान कौन हो सकता है? जैसे ही करुणा के बारे में सुना सुखदेव जी की समाधि खुल गई। आगे बोलो ना, आगे सुनना, अपने पिता के पास चलिए। सुखदेव जी पीछे पीछे शिष्य के दौड़ रहे हैं और आज व्यास जी के पास जब सुखदेव जी आए तो व्यास जी ने विचार किया, दुनिया के लोग कहेंगे कि देखा अपने मानस पुत्र को ही भागवत का अध्ययन कराया, कोई मिला ही नहीं था, इसलिए पहले परीक्षा लूंगा। जनक महाराज के पास भेज दिया, इसने काम और क्रोध को जीता है या नहीं, जिन्हें स्त्री और पुरुष में भेद तक नहीं पता था वो भला काम को क्या पहचाने।
तीन दिन तक धूप में खड़े रहने को कह दिया। जब तीन दिन बाद जनक महाराज ने देखा यों के यों खड़े हैं, कोई क्रोध नहीं। आज किसी को कोई आधे घंटा को खड़े होने को कह दे, महाराज इतनी देर में हजार गाली तो मिल ही जाएंगी। लेकिन ये सुखदेव जी तीन दिन तक खड़े रहे, जरा भी क्रोध नहीं आया। तब जनक महाराज साष्टांग चरणों में गिर पड़े। अहो, मुझे क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। व्यास जी ने भागवत कथा का अध्ययन कराया। वही श्री आदरणीय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जब सात दिन में तक्षक सर्प द्वारा डसे जाने का श्राप लगा, तो कोई मृत्यु इनकी मुक्ति का साधन नहीं खोज पाया। इनके हृदय से आवाज निकलती, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। श्री षोडश वर्षीय सुखदेव जी महाराज जिन्होंने परीक्षित को मुक्ति प्रदान की, सोनकादिक ऋषि बड़ी उत्सुकता से कथा को श्रवण कर रहे पूछ बैठे, महाराज ये परीक्षित कौन थे? इन्हें ये सात दिन में मरने का श्राप कैसे लगा? आप कृपा करके ये परीक्षित के बारे में बताने की कृपा करें। कहा है सोनकादिक ऋषियों, परीक्षित के जन्म के प्रसंग को कहना इतना जरूरी नहीं था, लेकिन जिस मानव की कथा भगवत कथा से जोड़ दे वो कोई भगवान की कथा से कम नहीं होती। इसलिए मैं तुम्हें परीक्षित के जन्म का प्रसंग अवश्य श्रवण कराऊंगा। भागवत कथा में परीक्षित का जन्म का प्रसंग, भक्तों के चरित्र परीक्षित की मुक्ति के लिए ही भागवत कथा का ये सप्ताह विधि प्रारंभ हुई। हम लोग कहीं कहीं कथा करने जाते हैं तो लोग प्रश्न करते, कभी देवी जी भगवान का जन्म हुआ नहीं, ये महाभारत की कथा कहाँ से आ गई? इसलिए आप लोगों को संदेह नहीं हो, इससे पहले ही आपको बता दूं कि यदि परीक्षित नहीं होते तो शायद ये भागवत की कथा जन जन में इसका प्रचार ही नहीं होता। भागवत की कथा ही परीक्षित से जुड़ी हुई है, इसलिए परीक्षित का जब तक जन्म नहीं होगा तब तक भागवत की कथा संभव कैसे हो पाएगी? इसलिए परीक्षित का जन्म का प्रसंग पहले बताया जाता है। श्री सूत जी ने सोनकादिक ऋषियों को कहा, हे सोनकादिक ऋषियों, मैं तुम्हें अब परीक्षित के जन्म का प्रसंग श्रवण कराऊंगा। कहा, कौरव और पांडवों का जिस समय युद्ध चल रहा था उस समय की बात है कि पांडवों ने सारे कौरवों को मार दिया, उसमें से एक बचा था केवल दुर्योधन, जिसकी जंगा को आदरणीय भीमसेन जी महाराज ने अपनी गदा के प्रहार से तोड़ दिया था। एक एक पल गिन रहा था कि कब इसकी मौत हो जाए। कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ मृत शवों के बीच में ये दुर्योधन छटपटाता था, और तो और जो गिद्ध मृत शवों को नोच नोच करके पा रहे थे उसी के बीच पड़ा हुआ ये दुर्योधन, इसे भी मृत समझ के वो गिद्ध बार बार उसमें भी चोंच लगा रहे थे। गिन रहा था अपनी मृत्यु के पल कि कब इसकी मृत्यु हो जाए। उसी समय ये दुर्योधन के पास दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा पहुंचा। दुर्योधन के जब हालात को देखा पूछ बैठा अश्वत्थामा, मित्र ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की? किसने किया ये दुर्व्यवहार तुम्हारे साथ में? तुम मुझे बताओ, वो आकाश पाताल जमीन कहीं भी होगा जीवित नहीं छोड़ूंगा। दुर्योधन कहने लगा, मित्र क्या बताएं, हमारी ये दुर्दशा की गई, हमें इसका कष्ट नहीं, फिर कष्ट क्या है? दुर्योधन कहने लगा, कष्ट तो इस बात का है कि मेरे पूरे 100 भाई थे लेकिन 100 के 100 मारे गए। कष्ट तो इस बात का है कि वो पांडव 5 के 5 ज्यों के त्यों बने हुए हैं, अगर उसमें से एक भी मर जाता
तो मन को शांति मिल जाती है। अश्वत्थामा कहने लगा, चिंता मत करो, समझ लो कि आज पांचों पांडवों को मैं मार के ही वापस लौटूंगा, आज तुम्हारा कार्य पूरा हो गया। आज अश्वत्थामा पांच पांडवों को मारने चला है, पांचों पांडव सोए हुए हैं, रक्षक जिसका गोविंद हो, रखवाला जिसका कन्हैया हो, उसको भला कोई कैसे मार सकता है। पांडव सोए हुए हैं, अर्धरात्रि के समय जब अर्जुन की नींद खुली, देखा भगवान छड़ी लेकर के खड़े, केशव आप सोए नहीं? भगवान कहने लगे, पार्थ तुम्हें नींद आ रही है? अर्जुन ने बहुत सुंदर बात कही, प्रभु जीवन की बागडोर जब हमने आपके चरणों में सौंप दी है तो हम तो चादर तान करके सोएंगे, हमें क्या परवाह प्रभु, हम तो चादर तान के सोएंगे। जिसका रखवाला गोविंद हो, उसे उसका बाल बाका दुनिया में भला कोई कैसे कर सकता है। जा को राखे कन्हैया हो, पूरी दुनिया उसका शत्रु क्यों न बन जाए, कोई बाल बाका कर ही नहीं सकता। आज भगवान पांचों पांडवों को अन्यत्र स्थान पर लेके गए, लेकिन उसी स्थान पर द्रौपदी के पांच पुत्र सोए रह जाते हैं। अर्धरात्रि के समय जब अश्वत्थामा आया, द्रौपदी के पांच पुत्रों को देखा, अंधेरा था, समझ न सका ये पांच पांडव सोए हैं या द्रौपदी के पांच पुत्र हैं। पांच पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांचों पुत्रों के सर धड़ से अलग कर दिए, पांच पुत्र मार दिए। पांचों के सरों को लेकर गया, दुर्योधन ने पूछा, मित्र कहो क्या हमारा कार्य पूरा करके आ गए क्या? हाँ हाँ मित्र, पांचों को मार दिया। क्या कहा? पांचों मर गए। हाँ, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कुछ? हाँ मित्र, मैं पांचों के सरों को लाया है। लाइए, पांचों के सर हमारे सामने रखिए, मैं उस भीम के सर को अपने हाथ से फोड़ना चाहता हूँ। जैसे ही दुर्योधन पांचों पांचों के सरों को टटोल टटोल करके देखने लगा, तो देखा पांचों के सर बड़े कोमल हैं। ये पांचों के पांचों बड़े कोमल हैं। अरे मैं तो इनमें से वो भीम का सर ढूंढ रहा हूँ जिसका सारा शरीर वज्र के समान कठोर था। इनमें से कोई भीम का सर तो दिख नहीं रहा। उजाला करके जैसे ही देखा, क्या देखा? द्रौपदी के पांच पुत्रों के सर सामने पड़े हुए हैं। मित्र तुमने ये क्या कर डाला? मित्र ये पांच द्रौपदी के अबोल बालकों को मार करके भला तुम्हें क्या मिला? तुम जानते हो कि अब हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहा। दुर्योधन को श्राप था कि जब हर्ष और शोक इसको दोनों एक साथ होंगे तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। प्रसन्न था कि आज पांच पांडव मार दिए गए, लेकिन जब पांचों के सरों को देखा दुखी हो गया, पछाड़ खा के गिर गया और दुर्योधन का प्राणांत हो गया। प्रिय भगवत प्रेमियों, इधर तो ये, लेकिन विचार करो, जिस माँ के पांच पांच बालक एक साथ मारे गए हों, उस माँ के हृदय की क्या वेदना होगी, आप एक बार सोच करके तो देखिए।
कि इस दुनिया में माँ से ज्यादा कोई प्रेम कर ही नहीं सकता, माँ से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अपने बालकों को आंखों से ओझल होते हुए तक माँ नहीं देख सकती, ये तो द्रौपदी के पांच पांच बालक एक माँ के पांच पांच बालक एक साथ मार दिए गए हो। माँ तो माँ होती है। एक बात मैं प्राय कहती हूँ, आज हमारे भारत भूमि का ये दुर्भाग्य है कि जिन माँ की पूजा होनी चाहिए आज हमारे देश की संतानें माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे। माताओं के लिए वृद्धा आश्रम ढूंढते हैं जाकर के, इससे बड़ा हमारे देश के लिए दुर्भाग्य और क्या होगा। माँ की कीमत तो जब मालूम पड़ती है जब किसी की माँ नहीं होती है। पूछो जाकर के उन संतानों को जिसकी माँ नहीं होती। बालक बाहर जाता है, लौट के आएगा, पिताजी पूछेंगे तेरी नौकरी चाकरी ठीक रही, भाई पूछेगा कि कारोबार ठीक तो चला, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, धर्म पत्नी पूछेगी आकर के कितना धन कमा के लाए। लेकिन माँ ही ऐसी होती है जो सबसे पहले आकर के पूछेगी, बेटा तूने कुछ खाया पिया भी है या नहीं, तू भूखा तो नहीं है, तुझे वहां कोई कष्ट तो नहीं हुआ। सुख और दुख की परवाह जो माँ कर सकती है वो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक प्रेमी वेश्या से प्रेम करता था, जब तक धन देता रहा तब तक वेश्या उससे प्रेम करती रही। जब उसके पास धन समाप्त हो गया तो कहा कि मैं तुमसे प्रेम नहीं कर सकती। प्रेमी कहने लगा मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। वो वेश्या कहने लगी तो मैं तुमसे प्रेम जब करूंगी जब अपने माँ का दिल लेकर के आओगे। प्रेमी गया, अपनी माँ को मार दिया, माँ का दिल निकाल करके लेकर के जा रहा था। जब वेश्या के पास पहुंचा, जैसे ही उसने देखा, कहा जब तू अपनी माँ का नहीं हुआ तो मेरा कैसे हो सकता है। उधर से जब ठुकरा दिया तो प्रेमी जब चल रहा था आगे ठोकर लगी, माँ का दिल हाथ से गिरा। जब वो बालक गिर गया अचानक माँ के दिल से आवाज आई, बेटा तुझे कोई कष्ट तो नहीं हुआ, तेरे कहीं चोट तो नहीं आई। माँ तो माँ है। आप विश्वास करके देखना, जो माँ की सेवा करते हैं, जो माता पिता को कभी कष्ट नहीं देते, जो माता पिता के आशीर्वाद को लेके कहीं चलते हैं, वो दुनिया में कभी ठोकर खा ही नहीं सकते। वो दुनिया में कभी अपने मार्ग को पाए बगैर, वो कभी अपने लक्ष्य को पाए बिना रह ही नहीं सकते। क्योंकि कहा है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन माँज करके पाल लेती है चार चार बेटों को एक माँ, लेकिन दुर्भाग्य है बहुएं आने पर चार चार बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती, चार चार बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ जैसा दुनिया में कौन हो सकता है। तू कितनी अच्छी है, एक बार अपनी
माँ का सब ध्यान करके देखे तो कितनी अच्छी जागता
की तुम्हें को